नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल से लगातार साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे एक मामला आज सामने आया है जिसमें साइबर ठगों द्वारा पार्ट टाइम जॉब का लालच देकर एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाया गया है। आपको बता दें कि साइबर ठगों ने फरियादी को व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर पार्ट टाइम जॉब करने का ऑफर दिया था, जिसके बाद फरियादी को अपने झांसे में लेकर उसके अकाउंट से 8,80,000 की ठगी कर डाली। बता दें कि आरोपी कंपनी पहले वर्क फ्रॉम होम कर पार्ट टाइम जॉब का ऑफर देती है। वर्क के नाम पर झांसे लेने के लिए लोगों को कॉपी पेस्ट का वर्क बताकर और लाइक करके स्क्रीनशॉट भेजने पर पैसे मिलने का लालच देती है। शुरुआत में कंपनी झांसे में लेने के लिए ऐसा करने वाले लोगों को अकाउंट डिटेल लेकर उनके खाते में पैसे ट्रांसफर कर देती है। उसके बाद जब व्यक्ति उनके पूरे झांसे में आ जाता है, तब इसके बाद में मेंबरशिप के नाम से उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करवाकर ठगी कर लेती है। इस मामले में डीसीपी क्राइम ने बताया कि भोपाल के कोहिफिजा निवासी के साथ यह मामला सामने आया, जिसमें पार्ट टाइम जॉब का लालच देकर ठगों ने उसे झांसे में ले लिया और फिर उसके साथ ठगी की है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला, कहां की फरियादी? ये कोहिफिजा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनके साथ टास्क और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ये 8,80,000 का फ्रॉड हुआ है, जिसमें जो ये फरियादी है इन्होंने बताया कि इनको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे कई दिन से कुछ मैसेज आ रहे थे जिसमें इनको पार्ट टाइम जॉब ऑफर की जा रही थी, जिसमें इनको बताया गया कि आप अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे कोई पेज, यूट्यूब पे कोई वीडियो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो उसके बदले आपको कुछ पैसे मिलेंगे। तो इन्होंने ये काम करना शुरू किया। इनको शुरू में पैसे मिलते गए तो इनका ट्रस्ट भी उन पर बनता गया। थोड़े दिन बाद उन कंपनी ने इनको एक बताया कि आप हमारे एलीट ग्रुप में हैं, उसमें आपको प्रीपेड टास्क करने पड़ेंगे कुछ पैसे जमा करने के बाद, उसके बदले आपको हम कुछ पैसे दे देंगे अगर आप वो टास्क कंप्लीट करते हैं शाम तक। तो इन्होंने वो भी कुछ दिन किया और उसके बदले कुछ पैसे इनको मिलते गए। तो अल्टीमेटली इनका पूरा विश्वास हो गया उस कंपनी पर और ये ट्रांजेक्शन्स जो है बिना किसी लाग लपेटे करने लगे। उसके बाद जो कंपनी है उन्होंने इनसे एक बड़ा अमाउंट अपने अकाउंट में क्रेडिट करवाया और ये बोला कि ये काम जो है इसको आप करके देंगे तो इसके बदले आपको हम और बढ़ा के पैसा देंगे। तो कुल मिला के वो पैसे ना इनके वापस हुए, बल्कि उस पैसे के लिए कंपनी ने इनसे और पैसे डलवाए कि अगर आप ये कुछ अमाउंट और जमा करेंगे तो पैसा वापस आ जाएगा। ऐसे करते करते उन्होंने 2,00,000 से लेकर 8,00,000 रुपये तक जमा कर दिए, पर इनको कोई पैसा वापस नहीं मिला और फिर इन्होंने साइबर सेल में रिपोर्ट किया है। फ़िलहाल अभी जो इसमें आरोपी हैं उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं अवेलेबल है। जो इन्होंने हमको टेक्निकल मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट की डिटेल्स दी है, उनसे हमने जानकारी मंगवाई है और उस पर अभी आगे हम काम करना है। सर, इसमें क्या नाम की है, कुछ डिटेल नहीं दी? नहीं, वो कंपनी तो एक्चुअली किसी फिजिकल एड्रेस पर रजिस्टर नहीं होती है, वो टास्क के नाम पर ही फर्जी टाइप की कंपनी बनाते हैं जो कि ऑनलाइन ही होती है। उसकी वो एक फर्जी वेबसाइट बनाते हैं जो लगती है कि असली है। उस पर एक हर व्यक्ति जो उस पर काम करने वाला होता है उसका एक पोर्टल होता है, उसका लॉगिन पासवर्ड होता है। जब उसको खोलता है तो उसको एक पोर्टल दिखाई देता है जिसपे जो है उसका एक अकाउंट होगा जिसमें उसके पैसे वो हो रहे होंगे क्रेडिट। वो दिखाता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, वो देख के व्यक्ति को लगता है कि उसके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं जो कि उसको धीरे धीरे वापस मिल जाएंगे। पर ये कंपनीज़ की ये चाल ही होती है कि वो आपको बहुत बड़ा अमाउंट दिखाते हैं कि आपके अकाउंट में आ चुका है, पर वो पूरा पोर्टल ही फर्जी होता है, वो सारे नंबर, सारे पैसे सब फर्जी होते हैं। तो ऐसे मामलों में ये जागरूकता आनी चाहिए लोगों में कि पार्ट टाइम जॉब के नाम पर जो लोग आपको ठग रहे हैं वो शुरुआत आपको छोटे छोटे अमाउंट से करते हैं पर फिर वो आपको बड़े अमाउंट से ठग लेते हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।